ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर ओमचो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। दोस्तों, आप जो प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत दिल से आभार। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस और शुल्क लागू है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सब छोड़ दें। अब ये क्या छोड़ने की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो विषय पर हम बात कर रहे हैं, ये विषय आपके लिए बहुत ज़्यादा और बहुत ही यूनिक भी है, और इसको जानने के बाद शायद आपकी सारी जो समस्या है जिनसे आप बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, और जो हम चीज़ों को पाना चाहते हैं, जो भी चीज़ें, बहुत बड़ी दायरे में मैं ये बात कह रहा हूँ, उन सभी के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। तो वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, बातों को बहुत बारीकी से समझें ताकि आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ और उनका लाभ ले पाएँ। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको सकारात्मक जानकारी प्रदान करना है, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। तो हम चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, कमेंट्स में लिखें जय शिव शंभू, हर हर महादेव, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम मुद्दे के ऊपर आते हैं। दोस्तों, जो सब छोड़ने की बात है कि हमारे मन में बहुत सी टेंशन चिंताएँ चलती है, हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मन में एक तो अज्ञात डर हमारे बना रहता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो जितने सारे डर हैं हमारे मन में अज्ञात, वो अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर, शिव जी पर छोड़ दें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इससे होगा क्या और इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, मैं अब हम उसके बात करते हैं। होगा ऐसा कि हम जब किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होकर हम जो भी काम करते हैं, तो काम तो हम ये करते हैं पर हमारा ध्यान मन उस जगह पर रहता है जो हमारी परेशानी है। परेशानी हर एक व्यक्ति के जीवन में होती है, आपके घर, आपके जीवन में भी ज़रूर कोई ना कोई परेशानी होगी। तो परेशानी को जब आप शिव पर छोड़ देंगे, ईश्वर पर छोड़ देंगे, सब छोड़ दें उन पर, भोले पर छोड़ दें कि हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, जो आप करोगे अच्छा करोगे और आप ध्यान रखना, बस ये एक शुद्ध भाव। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपरी तौर पर आपने बोल दिया कि भगवान अब कर देना और फिर मन में वही चीज़। जब तक आप उस चिंता को अपने मन से ख़त्म नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, और भोले पर पूर्णतः अगर आश्रित होकर नहीं छोड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तब तक आपको न तो सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं, बात तो वही हुई कि आपने सिर्फ एक दिखावटी तौर पर इस तरह की चीज़ें कर दी पर रियलिटी में वो नहीं हो पाया। अब दूसरी बात, अब बहुत से लोग बोले कि ये भी नेगेटिव आता है कि भगवान पे छोड़ने से क्या होता है, करना तो हमें है। देखिए, अब इसके पीछे का वैज्ञानिक जो तार्किक बात ये कि जब हम ईश्वर पर कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो हमारे पास ये दुनिया, आपने एक बात की, ये दुनिया विश्वास पर टिकी है। जब हमारा पूर्ण विश्वास ईश्वर पर होता है तो हमारा मन मस्तिष्क सकारात्मक हो जाता है, और जैसे ही मन मस्तिष्क सकारात्मक होता है, हमारी कार्य करने की क्षमता है, हमारे बात करने का टोन, लहजा, जो नेगेटिविटी होती है ना, जो हमें कई सारे मन में अच्छे अच्छे आइडियाज़ जो आते नहीं है नेगेटिविटी की वजह से, वो आइडियाज़ आएंगे, वो आएंगे नहीं, वो ईश्वर ही देंगे। कुल मिलाकर हम उन पर काम करेंगे और हमारी उस परेशानी से हम बाहर निकल जाएंगे। ये बिल्कुल एक वैज्ञानिक चीज़ है और कहीं भी कोई इस चीज़ में कोई भी त्रुटि नहीं है। आप इसे एक बार फॉलो करें, मैं आपसे वादा करूँ आपको ज़रूर बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसमें एक और चीज़ आपको जो ऐड करना चाहिए वो है आपको भोलेनाथ का जप। आप ओम नमः शिवाय का जप करते रहे कंटिन्यू, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। जीवन की कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कोई सी भी हो, सबका हल होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।